दिल्ली NCR समेत देश के कई राज्यों में बारिश थम नहीं रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र, UP समेत कई राज्यों में शनिवार को बारिश हुई। करीब 12 घंटे तक बारिश होने से कई इलाकों में जाम लग गया। रात भर बारिश के चलते दिल्ली के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। गुरुग्राम में भी सड़कों पर जल भराव है। मौसम विभाग ने 17 राज्यों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली NCR में भी पिछले 3 दिन से तेज धीमी बारिश का सिलसिला जारी है। दिल्ली पुलिस ने बाकायदा यात्रियों को इसे ध्यान में रखकर लोगों को यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी है। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पानी सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर तक पहुँच गया है। हालांकि 3 दिनों से हो रही बारिश ने हवा की गुणवत्ता में सुधार लाया है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी 2-3 दिन बारिश जारी रहेगी। कहीं कहीं काफी तेज बारिश का अनुमान लगाया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से जरूरी हो तभी बाहर निकलने को कहा है। राजधानी में रविवार को बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश भी जारी रहेगी। अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम 21 डिग्री तक रह सकता है। 10 अक्टूबर को बारिश हल्की हो जाएगी, तापमान बढ़कर 26 डिग्री तक पहुंच सकता है। 12 अक्टूबर से मौसम पूरी तरह शुष्क हो जाएगा और तापमान बढ़ने लगेगा। 14 अक्टूबर तक ये दोबारा 30 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने रविवार को 17 राज्यों में बारिश का अनुमान जारी किया है। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश के बीच भूस्खलन से टनकपुर और पिथौरागढ़ मार्ग बंद हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ साथ मायानगरी मुंबई में भी जोरदार बारिश का दौर जारी है। इससे सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। दफ्तर जाने के दौरान लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश के कारण लोगों को बस स्टॉप पर गाड़ी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और बीच बीच में बारिश जारी रहेगी। भारतीय मौसम विभाग ने 8 से 10 अक्टूबर के दौरान उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 8 और 9 अक्टूबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में गरज और बिजली के साथ बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून 1 जून से 30 सितंबर तक ही सक्रिय रहता है। अक्टूबर में होने वाली बारिश अच्छी तो हो रही है, लेकिन इससे फसलों को काफी नुकसान हो रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता, किसानों और खेती से जुड़े उद्योगपतियों को उठाना पड़ेगा। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।